सो गाइस, जैसा कि मैं बता दूँ ना, आज मैं वैसे कुछ दिखाने वाला नहीं, मैं आज ना कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ब्लॉगिंग करते समय ना बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को, जैसे कि मुझे करना पड़ रहा है। और सबसे पहले जो रुकावट आएगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी आपके जीवन में जो मेरे साथ आ भी रही हैं और होपफुली आगे आएगी, ठीक है। लेकिन मैं उस का मतलब जो मुसीबतें हैं उसको कैसे हैंडल करता हूँ, कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक आधी चीज़ें जैसे मेरे साथ जो पहले रुकावटें आई हैं जो मेरी फैमिली की, क्योंकि देखो कोई भी आप अच्छा काम करने निकलोगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि आप इसमें सफल हो जाएंगे, ठीक है। हो सके तो शुरू में उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, हो सके तो शुरू में रिजल्ट आ भी सकते हैं। अगर उसके शुरू में रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत गुड है। अगर नहीं आ रहे तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ तो मतलब शुरू में रिजल्ट नहीं आ रहे थे, पहले व्यूज़ आ रहे थे 5, 10, 15, ठीक है। तो होपफुली अभी ये थोड़ा मतलब 50-60 के आसपास व्यूज़ आते हैं मेरे मतलब एक एक वीडियो पे, ठीक है कैसे। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि मैं अभी उतनी अच्छी तरह से व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब होता है कि मतलब बाहर के व्यूज़ का दिखाना। सो अभी मुझे बाहर जाने का मतलब कहीं मौका मिल नहीं पा रहा या मैं कहीं जा नहीं पा रहा, तो उसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा। सो होपफुली आगे मैं अपनी वीडियोस को ट्राई करता रहूँगा। सो गाइस, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ना, तो पहले जो रुकावट आएगी आपकी फैमिली मेम्बर से कि अपने बाहर वालों को समझा सकते हो लेकिन घर वालों को कभी भी नहीं समझा सकते। तो अपने घर वालों को ना जैसे वो कह रहे उनके साथ में ढल जाओ ऑटोमेटिक, ठीक है, लेकिन अपना जो काम है ना कभी भी मत छोड़ो, ठीक है। और दूसरी रुकावट आएगी लोगों का कि हम लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, जैसे उसने बोल दिया अब यार क्या बना रहा, व्लॉगिंग बना रहा है या कुछ और बना, ठीक है। तो हम कई लोग क्या होते हैं उनके लोगों की सुनकर ना अपने फैसले बदल देते हैं, ठीक है, या कहते हैं अब यार क्या बना रहा, यही काम रहेगा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाना, कुछ काम कर ले, कुछ धंधा कर ले, ठीक है। ऐसे कुछ ही लोगों का कमेंट आएगा, लेकिन उनसे घबराना नहीं, उनसे पूछना है कि भाई अगर मैं ये ना करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। तो अगर उन पर मैं देखना है कि उनके पास तो कोई भी जवाब नहीं होगा कि वो बता सके कि तो क्या करें, क्योंकि उनके पास खुद ही काम नहीं होगा तो आपको क्या बता पाएंगे ना। सो गाइस, ये बहुत थोड़ी सी जो दिक्कतें हैं जो आपके साथ आएंगी, जो मेरे साथ आ रही है, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा मतलब नर्वस भी हूँ और सुबह थोड़ा सा गुस्सा वगैरह भी था मेरे माइंड में कि होपफुली क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। लेकिन मैंने डिसाइड कर रखा है कि ब्लॉगिंग करनी ही करनी है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, ठीक है। सो गाइस, आज का वैसे स्विमिंग पूल का प्लान भी था तो जो मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ स्कूटी, क्योंकि आज भैया की छुट्टी थी तो भैया स्कूटी लेके जा चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं, होपफुली आगे जो व्लॉगिंग है वो बस के थ्रू भी हो सकती है और मेट्रो भी हमारे यहाँ पे, और बाकी तो ग्रामीण से वगैरह, और बाकी हमारे दो पैर हैं तो दो पैरों से भाग भाग के ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बहुत सारे व्यूज इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सुबह की बात होगा ना, टेंशन पे ले लेंगे कि भाई ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, तो मैं टेंशन में आ गया था थोड़ा सा। तो फिर मैंने सोचा यार ये सब चीज़ें ना कचरा है, लोगों की बातों को निकाल के फेंको, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, या आपको अच्छा लगना चाहिए बस, ठीक है, सामने वालों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन पहले ना सबसे पहले आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ अच्छी लगेगी ना तो ऑटोमेटिक सभी को चीज़ अच्छी लगेगी, ठीक है। तो पहले आप अपने आप दिल को, क्योंकि मैं भी ना अपने दिल को सबसे पहले तसल्ली देता हूं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, होगा 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 और होगा। क्योंकि जब मेरे 14 सब्सक्राइबर थे ना, मतलब जून में, ठीक है, मतलब जून 20 तारीख थे ना मेरे 14 सब्सक्राइबर थे, तो मैं बहुत टेंशन में था कि यार आगे पता नहीं कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे क्या होगा, व्यूज़ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने चैनल बनाया था ना फरवरी में, ठीक है, फरवरी में एक दो वीडियो डाल के फिर मैंने पॉज ले लिया था, फिर मैंने डाला था अप्रैल में, फिर मैंने पॉज ले लिया था, फिर मैंने मई में दो एक वीडियो डाली, फिर मैंने पॉज ले लिया, फिर जून में ना होपफुली कहते 30 एक वीडियो हो गई थी मेरी, फिर मैं टेंशन में था यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, अब मुझे कुछ भी हो जाए करना है व्लॉगिंग तो करना है, ठीक है। फिर मैंने जब कंटिन्यू वीडियोस वगैरह डाली ना तो फिर मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट आया, तो फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छा चीज़ है। और इससे पता क्या हो रहा है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी ना बहुत बहुत इंक्रीज़ हो रहा है गाइस, ठीक है। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट सपोर्ट, और होपफुली मैंने जो चैलेंज लिया है ना दिवाली तक 1K, ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है हो पाएंगे। सो विदाउट आपके सपोर्ट के तो बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट के गाइस कमेंट कीजिए कि मेरे अंदर क्या क्या गलती हो रही है वीडियोस में, ठीक है, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं हर एक वीडियो। मुझे पता है बहुत सारी गलतियाँ हो रही है मेरी वीडियोस में, ठीक है, व्लॉगिंग का भी, और एक ही चीज़ मैं बार बार दिखा रहा हूं, ठीक है, और थोड़ा सा टाइटल का भी इशू आ रहा है, ठीक है। तो गाइस होपफुली मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई साहब आपकी वीडियो में ये सारी गलतियाँ हो रही है, तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ हर एक वीडियो में, ठीक है गाइस। होपफुली आने वाले व्लॉग्स के लिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है गाइस। सो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए मुझे, ताकि मैं आने वाली वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके थ्रू लेके आ सकूँ।